वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है राइट उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इसके बाद 13 क्या करूँगा सॉल्व करके बताऊँगा। यानी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 क्या करूँगा सॉल्व करके बताऊँगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या किया है अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। वो सारे जो आपका वीडियोस है आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंपनी अकाउंट्स, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है राइट। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इसके बाद कौन सा हम लोग बात करेंगे 13 राइट। या और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है अकाउंटेंसी क्लास 12 का एस बीपीडी पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना अति आवश्यक होता है। जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे आपका सॉल्यूशंस बनने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोलता है, जेपी लिमिटेड परचेस बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीस कितना 17 लाख फ्रॉम मैसर्स आपका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। यानी आपका जेपी लिमिटेड क्या किया है, एक आपका बिल्डिंग क्या किया परचेस किया है राइट, और बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका 70 लाख यानी 70 लाख फ्रॉम, और किससे परचेस किया फ्रॉम मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। द कंपनी पेड 20,50,000 बाई चेक, यानी 70 लाख का परचेस किया राइट, और 20,50,000 आपका चेक के फॉर्म में पेड किया है, यानी आपका कैश के फॉर्म में कितना हो गया 20,50,000। एंड फॉर द बैलेंस इशू इक्विटी शेयर्स और पिस हैंडेड इज इन फेवर ऑफ मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। यानी आपका 70 लाख का क्या किया है, बिल्डिंग खरीदा है, 20,50,000 आपका क्या किया चेक के फॉर्म में पेमेंट किया राइट, और बैलेंस जो पैसा बचा उसको क्या इशू किया आपका इक्विटी शेयर्स, क्या इशू किया आपका इक्विटी शेयर्स इशू किया ठीक है। आपको बोलता क्या है पास नेसेसरी जर्नल इंट्रीज, यानी आप जर्नल इंट्रीज पहले पास करें इन द बुक्स ऑफ जेपी लिमिटेड, यानी जो परचेज है उसके बुक्स में बोल रहा है ठीक है, वेंडर के बुक्स में आपको नहीं बोल रहा है ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग्स एंड मेकिंग पेमेंट्स इफ शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम कितना 25%, और जो आपका इक्विटी शेयर के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो एट पार पे नहीं, किस पे कर रहा है आपका एट प्रीमियम यानी बढ़ा के ठीक है, और कितना बढ़ा के पेमेंट कर रहा है आपका 25% राइट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जर्नल इंट्रीज पास करते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि कोई भी जर्नल इंट्रीज अगर आपको पास करने रहेगा तो आपका जर्नल का जो फॉर्मेट है 5 कॉलम्स डेट पार्टिकुलर उसके बाद LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट उसी में क्या करेंगे पास करेंगे नरेशन वगैरह अच्छे ढंग से क्या करेंगे लिखेंगे, हम आपको इसी तरह से पास करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला देखिए सोल्यूशन नंबर कितना लिखे 11 राइट, और पहला एंट्री जो हो जाएगा आपका किस चीज का परचेस करने का, और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेपी लिमिटेड ठीक है, 5 कॉलम्स बनाएंगे डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट उसमें लिखिएगा। तो सबसे पहले क्या किया बिल्डिंग परचेस किया, इसके पास क्या आएगा बिल्डिंग, क्या आएगा आपका बिल्डिंग, तो क्या होगा आपका बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा डेबिट राइट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्या हुआ कुछ बैंक से पेमेंट किया ना, तो आपका बैंक से पेमेंट किया तो टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे किसका आपका जिक्र है चेक से, तो बैंक के थ्रू जाएगा, और बाकी जो है ना वो क्या लगा दिया आपका उधार, और किससे खरीदा देख लीजिए मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तो क्या लिखेंगे हम लोग मैसर्स क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, मैसर्स क्या लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड अकाउंट ठीक है जी। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स आपका बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, या एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, बैंक में पैसा आपका क्या हो रहा है कम रहा है ना, या बैंक आपका पैसा देने वाला पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, और मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पैसा देना है आपके लिए क्या कर्ज है उसको क्या किया आपका क्रेडिट, या पर्सनल अकाउंट के थ्रू आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आपका ये देने वाला है तो मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिख दिए ठीक है। अब देखिए बिल्डिंग्स कितने का हो गया आपका 17 लाख, बिल्डिंग कितने का हो गया आपका 17 लाख, और उसके बाद आपका चेक के फॉर्म में कितना पेमेंट किए हैं 20,50,000, तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपको किसमें पेमेंट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स में, तो चलिए 70 लाख में क्या करें माइनस कर दे कितना 20,50,000, तो बचा कितना 49 लाख
50,000, राइट 49,50,000 क्या होगा आपका इक्विटी शेयर के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख दिया, एट पार पे नहीं है, किस पे है, एट प्रीमियम। तो देखिए कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स भी करना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, आपको वर्किंग नोट्स लिख के बताता हूं। अब कोई भी वर्किंग नोट्स लिखेंगे ना तो आप क्या करेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो एक शेयर पे कितना होगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर, मतलब एक शेयर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा। तो देखिए 100 रुपीज है, राइट 100 रुपीज है, और कितना बोलता है आपका 25%, कितना हो गया 25%। तो 100 का 25% कितना जाएगा आपका 25, ठीक है, कितना जाएगा आपका 25। यानी कि एक शेयर पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कितना है आपका 25 रुपया, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर कितना इशूट करना पड़ेगा आपको, किसको, मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 49,50,000 भुगतान के लिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे आपका, देख लीजिए, नंबर ऑफ आपका इक्विटी शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड कितना आपका इशूड होगा। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर में अमाउंट पेबल, तो अमाउंट पेबल कितना आपका 49,50,000, है ना, 49,50,000। उसके बाद होता है क्या है आपका, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है आपका 100, राइट, और प्रीमियम का कितना हो जाएगा आपका 25, प्रीमियम का कितना हो जाएगा मेरा 25, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें। और ये सब हम फॉर्मूला क्या किए हैं आपका, पहले वीडियो इसका क्या किया बना दिए हैं, आप क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो आपका देख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं ना, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 49,50,000 में डिवाइड कर दीजिए कितना, 125, यानी 39,600, कितना आपका 39,000, कितना हो जाएगा आपका 600 शेयर्स, मतलब 39,600 शेयर्स क्या करेंगे हम लोग इशूट करेंगे आपका मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को, तो मेरा 49,50,000 का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको सारा कैलकुलेशंस करके बताता हूँ, इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना आपका नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा, 39,600, और प्रीमियम कितना था आपका 25, एक शेयर पे कितना था 25, तो आपका 39,600 25 से गुना कर देंगे, तो 40,600 और क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे, तो आएगा कितना 9,90,000, कितना आएगा 9,90,000, यानी 9,90,000 क्या हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले इसको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आपका हो जाएगा मैसर्स कंस्ट्रक्शन, राइट, मैसर्स क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट, और कितना से होगा आपका 49,50,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दीजिए, टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और उसके बाद एक और खुलेगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखा लेते, देख लीजिए 9,90,000, तो 9,90,000 और कितना आपका 49,50,000 में माइनस कर दीजिएगा 49,50,000, यानी कि 39,60,000 ना, कितना हुआ आपका 39,00,000, कितना हुआ आपका 60,000, 39,00,000 कितना हुआ 60,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका पेमेंट हो गया, देख लीजिए मैसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पाने वाला पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, इक्विटी शेयर कैपिटल का आपका इशूट किया है तो क्रेडिट हो जाएगा जी। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हुआ आपका, जो जेपी लिमिटेड उसके लिए इनकम हो गया, तो उसके लिए क्या किया हम लोग क्रेडिट, ठीक है। और ये सबका आपका वीडियोज क्या अवेलेबल है, एट पार पे कैसे करेंगे, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सारा वीडियोज अवेलेबल है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया एंट्री। तो इस तरह से
आपका क्या हो गया, क्वेश्चन बनके मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, तो बन चुका है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का आपका, 12th का। कितने का? 12th का। देखिए 12th में बोलता है कि A Limited issued 5000 equity shares of rupees 10 each payable as 2 rupee application, यानी application पे कितना लेगा आपका, 2 रुपया जी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। application पे कितना ले रहा है आपका, 2 रुपया, ठीक है। application पे कितना ले रहा है, 2 रुपया। उसके बाद आपका 3 रुपया और अलॉटमेंट पे जो ले रहा है ना, अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है आपका, 3 रुपया, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना ले रहा है आपका, 3 रुपया। ऑन अलॉटमेंट 3, देखिए फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे भी कितना आपका, फर्स्ट कॉल पे भी कितना आपका, 3 रुपया, ठीक है। और सेकेंड कॉल पे बोलता है बैलेंस, तो आप बताइए सेकेंड कॉल कितना होगा, सेकेंड कॉल कितना होगा, देख लीजिए आपका टोटल कितना है, 10 है ना, तो 10 में आपका 2, 3, 5, 5, 3, 8 ले चुके हैं, तो बचा कितना, 2। बचा कितना, 2, क्योंकि हमको टोटल कितना कर लेना है, 10। हमको टोटल कितना कर लेना है आपका, 10 कर लेना है, ठीक है जी। तो आपका 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 2 कितना हो गया आपका, 10, ठीक है। अब ये आपका ले रहा पैसा, और ऑल द अमाउंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, जितना मांगा सभी पैसा क्या हो गया, मिल गया। कोई भी कॉल्स इन एरियर ये सब का केस नहीं है, और आपको बस बोलता है कि आप कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, आपको जर्नल ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या बनाना है आपको, कैश अकाउंट। और जो क्वेश्चन में बोलेगा वही बनाएंगे। आमतौर पे क्या होता है, क्वेश्चन में बनाना कुछ और होता है, बच्चा कुछ और बना के आता है, इसमें जर्नल एंट्री ये सब करना नहीं है, सिर्फ क्या बनाना है आपको, कैश अकाउंट। तो जो क्वेश्चन में बोलेगा बनाने के लिए वही चीज बनाएंगे, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखे हैं इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड है ना, उसके बाद कैश बुक, बैंक कॉलम वाला ना, क्योंकि आपका सब बैंक से चलता है, कंपनी में कैश से जनरली कुछ नहीं, सब किससे, बैंक से। तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट वही आपका जस्ट लाइक कैश बुक हम लोग बना देंगे, आपका जर्नल से क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, देखिए ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का टोटल 4 होता है ट्रांजेक्शन, और टोटल एंट्री कितना होता है आपका, 8। ये 8वें एंट्री का मैंने क्या किया है, आपका वीडियोस बना दिया है, ठीक है। उसी 8वें एंट्री पे पूरा कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, आपका फॉरफिटेड, री इशू, आपका क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसी एंट्री पे क्या होता है, बेस्ड होता है। तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां पर क्या लिखेंगे टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो आपका डेबिट में पोस्टिंग होगा सब्सिडरी वाला। और कितना अमाउंट होगा, देख लीजिए आपका एप्लीकेशन पे 2 है ना, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 5, तो आपका 2 से क्या करें, 5 से गुना कर दीजिए, राइट। तो कितना होगा आपका, 10,000, कितना हो जाएगा आपका, 10,000। 2 से 5, 5,000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10,000। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 10,000, ठीक है, सीधा सा बात है। दूसरा एंट्री क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप बताइए बैंक ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट, पोस्टिंग नहीं होगा, सीधा सा बात है। अब थर्ड वाला एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी बैंक ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, इसलिए पोस्टिंग नहीं होगा। चौथा वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसका पोस्टिंग करेंगे ना, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, और क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट, जहां जहां बैंक डेबिट या क्रेडिट होगा उसी का ना पोस्टिंग करेंगे बउआ, ठीक है। तो आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, देख लीजिए 5000 था ना, कितना था 5000, और इंटू कितना हो गया आपका 3, 5000 इंटू कितना हो गया 3, तो 5 से कितना हुआ 15000, यानी 15000, कितना हो गया मेरा 15000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग आपका 15
थाउजेंड, ठीक है। अब देखिए आपका चौथा एंट्री हो गया। पांचवा एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। एक बार फिर से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बैंक ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट, इसलिए आपका कैश बुक में पोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। छठा वाला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो उसका होगा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट देख लीजिए कितना होगा आपका, इसको तीन से क्या करें, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 15,000, ठीक है। अब हम लोग सातवां एंट्री करते हैं, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक बार फिर से, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बैंक ना तो डेबिट ना क्रेडिट हुआ तो पोस्टिंग नहीं होगा। आठवां एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो पोस्टिंग होगा, तो क्या लिखेंगे, टू आपका इक्विटी शेयर, टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे आपका, सेकंड कॉल अकाउंट, राइट, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है जी। क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया आपका 5,000 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000, कितना 10,000, ठीक है जी, 10,000, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 10,000, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, बैंक जहाँ पे डेबिट हुआ उसका टू को हम लोग क्या किया, पोस्टिंग कर दिए। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 10, 15, 25 हुआ ना, 25, 15, 40, 10, 50, यानी आपका 50,000, राइट, और इधर भी कितना हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे बैलेंसिंग कर दीजिए, डेट वगैरह तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस क्या लिखिए, सीडी कैरी डाउन, कितना 50,000, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, टू बैलेंस, क्या कीजिए, टू बैलेंस बीडी, कितना आपका 50,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 क्या हो गया, बनके तैयार हो गया, राइट। अब इसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13, राइट, पूरा डिटेल्स में समझाना होता है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही, आप इसका पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है 13, इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, भारत लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज टू इट्स प्रमोटर्स। बोलता क्या है कि जो भारत लिमिटेड है एक कंपनी है, राइट, जो आपका 5,000 आपका इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, किसको, प्रमोटर्स को, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये प्रमोटर्स किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, कंपनी खोलने वाला जो व्यक्ति होता है, कंपनी खोलने से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज करता है उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स, राइट, यानी कंपनी को अस्तित्व में लाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, प्रमोटर्स। जैसे रिलायंस कंपनी का प्रमोटर्स कौन है आपका, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी, रिलायंस कंपनी का प्रमोटर्स कौन है आपका, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी, और भी उनके साथ जो जो लोग होंगे वो सब होंगे, लेकिन आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी रिलायंस कंपनी का क्या प्रमोटर्स, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, उनका जो बेटा है वो रिलायंस कंपनी का प्रमोटर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि खोलने वाला व्यक्ति वो थोड़ी है ना है, खोलने वाला व्यक्ति कौन है, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के जो पिता हुए आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी, वो रिलायंस कंपनी के क्या कराएंगे, प्रमोटर्स, राइट। और अगर बात किया जाए जियो लिमिटेड, तो जियो लिमिटेड का प्रमोटर्स कौन है, मेन प्रमोटर्स कौन है आपका, मुकेश अंबानी, आदरणीय मुकेश अंबानी जी, क्योंकि जियो लिमिटेड का अस्तित्व में लाने वाला काम कौन किए हैं आपका, आदरणीय मुकेश अंबानी, तो जियो लिमिटेड का प्रमोटर्स हुए आपका मुकेश अंबानी, और रिलायंस कंपनी का प्रमोटर्स कौन हुए आपका, आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी, ठीक है, और उनके साथ जो जो लोग होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, प्रमोटर्स, यानी प्रमोटर्स उस पर्सन को बोलते हैं जो कंपनी खोलने से पहले या कंपनी खोलने से रिलेटेड जितने भी आपका लीगल प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटीज है वो क्या करते हैं, यानी कंपनी को अस्तित्व में लाने वाला जो पर्सन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोटर्स, देखिए प्रमोटर्स, उसको एक स्पेशल वैल्यू मिलेगा कंपनी में, तो उसी के लिए उसको क्या मिला आपका, 5,000 क्या मिला, इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद और बोलता है, एड 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज फुल्ली पेड
टू अंडरराइटर्स। अब सवाल उठता है कि अंडरराइटर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे। इन लीव ऑफ देयर सर्विसेज एट पार, और एक बात सुन लीजिए, जितने भी आपका शेयर्स इशू हो रहे हैं ना, वो किस रेट पे हो रहे हैं आपका, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट का केस नहीं है। पास जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना है आपको, जर्नल इंट्रीज। देखिए तो सबसे पहला जर्नल इंट्रीज क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से, और देखिए आप जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उस पर पास करेंगे, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो प्रमोटर्स को जो मिलता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कंपनी के लिए वो एक्सपेंसेस है, और कौन सा एक्सपेंसेस है आपका, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है। कौन सा है आपका, फॉर्मेशन, कंपनी को स्थापना से रिलेटेड ना खर्च है, तो कंपनी के लिए क्या कहलाएगा वो, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका, प्रमोटर्स को मिल रहा है ना, तो हम लोग हो जाएगा क्या, कंपनी के अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर, क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री हुआ, जो प्रमोटर्स को सर्विसेज के बदले जो आपको पैसा दिया जा रहा है, मतलब इक्विटी शेयर दिया जा रहा है उसका। तो देख लीजिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000 इंटू कितना हुआ, 100, 5000 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 5 लाख, कितना हो जाएगा आपका, 5 लाख। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आप कर लीजिएगा, राइट, कितना हो गया आपका, 5000 इंटू 100, ठीक है। तो हो गया आपका, प्रमोटर्स को मिल गया। अब देखिए दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला में लिख देते हैं वे, मतलब थोड़ा समझने में आसानी होगा। अब बोलता क्या है, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज एज फुल्ली पेड टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या होता है, ध्यान सुनिए, जब कोई कंपनी अपने गुड्स का या असेट्स का इंश्योरेंस करवाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को जो आपका कमीशन पेड करती है आपका गुड्स असेट्स का इंश्योरेंस करवाने के बदले में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, आपका अंडरराइटर्स कमीशन, क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन। एक बार फिर से बोलता क्या है, जब कोई कंपनी अपना गुड्स का या असेट्स का क्या करती है, इंश्योरेंस करवाती है, क्या करवाती है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा गिर गया जी, हाँ जी, क्या बोला कि जब कोई कंपनी अपने गुड्स का या असेट्स का क्या करवाती है, इंश्योरेंस करवाती है, और इंश्योरेंस करवाने के बदले जो आपका कंपनी, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी को जो कमीशन देती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरराइटिंग कमीशन, और कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग, अंडरराइटर्स, कंपनी को क्या बोलेंगे, अंडरराइटर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे एंट्री, सबसे पहले होगा आपका एंट्री क्या होगा, देख लीजिए, अंडरराइटिंग, क्या होगा, अंडरराइटिंग, राइट, क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन, क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, क्या होगा, डेबिट, राइट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। और पैसा मिलेगा किसको, अंडरराइटर्स को, यानी एक तरह से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको, ठीक है। तो क्या होगा, अंडरराइटर्स अकाउंट, क्या होगा, अंडर राइटर्स अकाउंट, बात समझे ना, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, और एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, और देना किसको है, अंडर राइटर्स को। पर्सनल अकाउंट देना रहता है तो क्रेडिट, और पैसा लेना रहता है तो डेबिट। तो देना है पैसा, कितना देना, देख लीजिए आपका 1000 है ना इक्विटी शेयर्स, और 100 रुपया वाला, यानी कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख, कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख, ठीक है। तो ये तो हुआ किस इसका, ड्यू का, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। तो अंडरराइटर्स कौन हो गया, वही इंश्योरेंस कंपनी, जो आपके गुड्स और आपका असेट्स का क्या किया है, इंश्योरेंस किया है, मतलब अपने ऊपर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे किसको, अंडरराइटर्स को। तो क्या होगा आपका, अंडरराइटर्स, क्या होगा आपका, अंडरराइटर्स अकाउंट, क्या होगा, डेबिट, राइट, और टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका एट पार में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख, और कितना लिख दें आप, 1 लाख, ठीक है। तो अंडरराइटर्स को यहाँ पर क्रेडिट किए थे, यहाँ पर डेबिट करके खाता क्लोज कर दिए, और पेमेंट किससे हो गया आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट बता देगा लोग, ऐसे बोलेगा ना, ऐसे कर लीजिए, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, गलत हो जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, गलत हो जाएगा, पहले होगा ड्यू का, तब किसका होगा आपका, पेमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट हम मान के चलते इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में जो भी आपका कंपनी है इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर से जितने भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है सभी का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th हो, 12th हो या बीकॉम्स हो, ठीक है। तो सभी का आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।